अस्सलामुअलैकुम भाई, आज आपको छोटा सा जायका दिखाने वाला हूँ छोले कुलचे का। ये जायका नहीं, बस एक लेडी है जो यहाँ पर छोले कुलचे बेचती हैं काफ़ी सालों से। पहले उनके हस्बैंड बेचते थे, लेकिन उनके हस्बैंड की क्या है, डेथ हो गई है। अब वो खुद बेचती हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कंधों पर है। तो बस ये जायका भी है और एक उनकी सपोर्ट भी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आना, इनका जायका चखना, और इनकी जितनी सपोर्ट कर सकते हो उतनी सपोर्ट करिएगा। बाकी अब लेके चलता हूँ आपको आंटी की शॉप पर, मिलवाता हूँ आंटी से, कुछ पूछते हैं आंटी से और क्या जायका है वो भी आप तक बताऊँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट करना। देखो जी दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस टाइम चूड़ी वलान, और ये पूरा चूड़ी वलान का रोड है। और सामने जो गली देख रहे हैं वो चितला गेट है, जहाँ से डायरेक्ट जाम हिस्सा आप आ सकते हो। और ये पूरे कंजस्टेड बहुत बढ़िया क्राउडेड वाला एरिया है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे क्या है, एक छोटी सी यहाँ पर शॉप मिली जहाँ पर आंटी छोले कुलचे बेच रही हैं। ये देखें आप, छोटा सेटअप है, छोले कुलचे बेच रही हैं। और ये वाली गली आप देख रहे हैं, ये गली बदलियान है, चूड़ी वलान के कट पे ही बिल्कुल। आप एड्रेस यहाँ देख सकते हैं, ये देखें। और ये छोटी सी यहाँ पर बिल्कुल देखिए सेटअप लगा हुआ है, और सेटअप देखें आप। कैसा रहेगा, मीठा मीठा रोल? वैसा ही जैसा बना। नमक का चाहिए नहीं। मैंने आंटी के पास माइक लगा दिया है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया आंटी। काफी टाइम से क्या है, मैं देखता था छोटी सी दुकान है आपकी, और आप सुबह आके यहाँ पर छोले कुलचे बेचती हैं। तो मतलब क्या क्या चीज है, मतलब पहले हमारे ससुर बैठते थे, ठीक है, फिर इनकी ये बैठने लग गए ससुर के डेथ होने के बाद। नहीं खुले नहीं। अच्छा डेथ हो गई उनकी, कब हुई उनकी डेथ? 25 साल हो गए ससुर को तो, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पास ये बैठने लग गए थे, ठीक है, हस्बैंड आपके, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये अभी 4 साल इन्हें हो जाएंगे। तो मतलब कोरोना में गए थे वो? कोरोना के बाद गए थे। अच्छा 20 में गए थे। तो अब घर में मतलब आप ही हैं सिर्फ? हाँ बेटी है मेरी, 3 बेटियाँ हैं मेरे पास। 3 बेटियाँ हैं आपकी? हाँ। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है मेरी। तो मतलब सारी जिम्मेदारी इस टाइम आपके कंधों पर है बस? जी जी जी। और यहाँ पर अभी क्या क्या बेचते हैं, खाली छोले कुलचे? हाँ छोले कुलचे बेचते हैं। और टाइमिंग क्या है? टाइम 10:30 बजे सवेरे, 10:30 बजे। और लास्ट टाइमिंग क्या है आपकी? 10:30 से 5:30, 5:30, 5:30 बजे। देखिए जी, मैं यहाँ पर जब आया था ना तो यहाँ पर क्या स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है, तो कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं, सब यहाँ से ले भी रहे हैं। छोटा सा सेटअप है बिल्कुल। तो अंकल नहीं रहे, जो भी दुकान की जिम्मेदारी है, जो भी बच्चों की जिम्मेदारी है, वो आंटी के कंधों पे ही है। 3 बेटियाँ मेरे पे। तो सब चीज़ें छोले कुलचे सब चीज़ें आप रेडी करती हैं सभी? बिल्कुल।
तो सुबह कब से स्टार्ट कर देते हैं मतलब बनाने के लिए? 6:30 बजे में उठ जाते हैं। ठीक है, 6:30 बजे से शुरू कर देते हैं बनाना। और देखो मैं आपको छोले दिखाऊं, सारे ताजी सब कुछ सुबह ही बनाती हूं। मतलब ये सब चीजें आप टोटल आप खुद करती हैं? खुद करती हूं। और आपका नाम क्या है? बिमलेश है। बिमलेश, हाँ। देखिए जी, बिमलेश नाम है इनका। और अब सारी जिम्मेदारी क्या है, अंकल के जाने के बाद इनके कंधों पर आ चुकी है। 3 बेटियां, बेटा कोई नहीं है? दो बेटियों की शादी हो चुकी मेरी, अब एक बेटी बच रही। ठीक है जी, डाल दूं। तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई, मैं यहाँ से क्या गुजरता रहता था तो मेरी यहाँ पर निगाह पड़ी कि आंटी यहाँ पर क्या है, छोले कुलचे बेचती हैं। तो हमारा काम तो जायका दिखाने का है, बाकी अब थोड़ा क्या जायका है छोले कुलचों का वो भी चक्कर आप तक बता देता हूँ। बाकी मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि किस वजह से यहाँ पर ये बेच रही हैं। आंटी मेरी भी एक बना दी है छोटी सी प्लेट हल्के मसालों की। ये आपकी बनाई? ठीक है, देखो जी यहाँ पर छोले कुलचे बन रहा है बिल्कुल। घी लगाया नीचे, ये देखिए मक्खन नहीं लगाती मैं, घी लगाती हूँ। अच्छा, आप मक्खन नहीं लगाते, घी लगाते हैं? जो कोई बोल देता तो बाजार से घी मक्खन। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी आप। आपके क्या दो? और बिल्कुल साग, यहाँ पे देखिए अदरक प्याज। अच्छा, और ये चटनी, ये आमचूर की चटनी है आपकी? आमचूर की है, ये हरा धनिया, ये हरा धनिया की उसकी है। और ये वाली दिखाइएगा जरा, ये देखिए जी आमचूर की चटनी है, ये मीठी सोट है। और ये इनके मसाले इनके है ना? हाँ, सब मसाले अपने आप हाथों से बनाती हूँ। तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहती हैं आप, बताएं? क्या कहूँ, बस कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं, सुन रही है पब्लिक? बस कुछ नहीं, बस मैं तो ये कहती हूँ मेरी रोजी रोजगार बना रहे, बस यही सहारा चाहिए मुझे बस। देखो जी आंटी कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि यही चीज होती है। बस मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आंटी के छोले कुलचे ज़रूर खाएं, और छोले कुलचे खाकर मसाला कैसा डालें? हल्का मसाला डालिएगा आंटी, और छोले कुलचे खाकर इनकी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी एक बच्ची बची है आपकी, पढ़ रही हैं? हाँ नहीं, पढ़ चुकी। पढ़ चुकी हैं? हाँ, जॉब करती हैं। अच्छा अच्छा, चलिए जी ये बढ़िया है। ये खीरे में था? ठीक है ठीक है आंटी। लाल चटनी डालनी? नहीं पहले, हाँ, हल्की सी डाल दीजिए, इसका स्वाद लो पहले। चलिए इसका स्वाद ले लेते हैं पहले। और इसकी क्या प्राइस है? इसके 20 रुपए हैं। दो छोले कुलचे पर इसके 20 रुपए हैं। हाँ, तीन लोगे तो 30 के। ठीक है, देखो जी हमारी दो छोले कुलचों की प्लेट आ चुकी है जिसका रेट है 20 रुपए खाली। और आंटी ने मुझे क्या, अपने छोले कुलचे दे दिए हैं, ये देखो आप छोले क्या मतलब मटर जो होते हैं वही है इनके, आलू सब। और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, शोर आपको आ रहा होगा, और जगह भी देख लो आप, बस यहाँ पर दो स्टूल रखे हुए हैं वहाँ पे खिलाने हैं। बाकी कुलचा अच्छी तरह सेक कर दिया है आंटी ने, करता हूँ बिस्मिल्लाह। भाई ये कुलचा खाना और ये स्वाद करना तो एक बहाना था, क्योंकि इनकी थोड़ी स्टोरी जो है ना, बाकी बिस्मिल्लाह कर लेता हूँ। जो बिल्कुल ओरिजिनल छोले कुलचे का स्वाद है भाई वो है, कुलचे एकदम करारे करके दिए हैं बढ़िया करके घी में, छोलों के अंदर बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि आप आओ, तो मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप आएँ यहाँ पर, इनकी जितनी सपोर्ट की जाए उतनी सपोर्ट करी जाए। तो ये भाई जायका है बढ़िया करके, सुबह 6 बजे उठ जाती हैं और सारा काम करती हैं, फिर शाम को 4-5 बजे तक घर जाती हैं। तो भाई ऐसी वुमेंस को सलाम है हमारा, और मुझे भी पता है कि ये अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं। तो भाई मैं अपनी ऑडियंस से ज़्यादा अपील करता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी वुमेंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हम जो इतनी होगी हम भी करेंगे, बाकी आपसे हो आप भी करना।
तो ये छोटी सी वीडियो थी छोले कुलचों की। स्वाद बढ़िया है, मज़ेदार है, आओ यहाँ पर आप, मज़ा आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।